हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो अगर आपके पास ऐसे ही मॉस्किटो किलर बैट हो और इसमें बैकअप बिल्कुल ही ना दे, तो उसे ठीक कैसे करें और पहले से ज़्यादा बैकअप कैसे ले, तो वही वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो इसको मैंने खोल लिया हूँ, एक एक करके स्क्रू को बाहर निकाल लिया हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो एक लीड एसिड बैटरी लगा हुआ है, बहुत ही छोटा सा बैटरी है, इसमें बैकअप ज़्यादा नहीं देगा। तो इसीलिए हम इस बैटरी को पहले चेंज करेंगे। तो इस बैटरी को हम बदल देंगे, ये देख सकते हो छोटा सा बैटरी है। और इसका सभी वायर को, अभी जो एसी से चार्ज होने वाला वायर था, वो कनेक्टर था, उसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि अब हम जो बैटरी लगाएंगे वो लिथियम बैटरी होगा और वो एसी से वैसे चार्ज नहीं होगा, उसको हम मोबाइल चार्जर से चार्ज करेंगे। तो ये बैटरी को ले रहा हूँ मैं, और ये मुझे ख़राब लैपटॉप की बैटरी से मिला है। तो आप भी ले सकते हो, पुराने लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप से आप बैटरी को परचेस कर सकते हो। तो यहाँ से मैं एक बैटरी को ले लिया हूँ, और ये बैटरी भी ज़्यादा पावरफुल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है उस लीड एसिड बैटरी के मुकाबले। तो इसको मैं प्लस माइनस को देखते हुए दो दो वायर जोड़ लूँगा, दो वायर हमारा चार्जिंग के लिए होगा और दो जो बैटरी में इनपुट देंगे उसमें वायर लगाएंगे। तो पहले मैं दो दो वायर करके जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने दो दो वायर करके दोनों साइड निकाल लिया हूँ, एक प्लस माइनस का एक साइड और एक प्लस माइनस का एक साइड। तो इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे। तो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, इसलिए हम काट के इसका जो स्क्रू लगता है उसको काट के हटा देंगे और वहीं पे फिट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो अब देख सकते हो ये बैटरी यहाँ पर फिट हो रहा है। तो अभी इस बोर्ड को जो है हम निकालेंगे बाहर, और उसमें जो चार्जिंग एलईडी लगा हुआ था उसमें दो वायर जोड़ेंगे और निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हो इसका जो एलईडी है चार्जिंग, जो पहले एसी से चार्ज होने पर जलता था, वहीं पे हम दो वायर जोड़ लेंगे इसकी प्लस माइनस देख के। तो प्लस में मैं सफ़ेद वायर को लगा रहा हूँ और दूसरा वायर माइनस के लिए होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एलईडी में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उसको हम निकाल लेंगे ताकि एलईडी का एक लेग फ्री हो सके, उसमें और कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ होगा। तो अब इसको यहाँ पे फिट कर देता हूँ जैसे लगा हुआ था। तो अब इसमें जो हम बैटरी लगाएंगे उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे हम एक सॉकेट लगाएंगे, ताकि मोबाइल की चार्जर से इसे चार्ज कर सकूँ। तो इस सॉकेट को यहाँ पर लगाने के लिए मैं इसके होल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये फिट हो रहा है, इसको आप सोल्डरिंग आयरन के मदद से होल कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको लगा दिया हूँ। अब इसमें जो प्लस और माइनस दो प्रॉब निकला हुआ होगा, तो प्लस में हम एक IN4007 का डायोड लगाएंगे, तो उसको सॉकेट के प्लस में सोल्डरिंग कर लिया हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो जो एलईडी का प्लस वायर है वो डायोड से पहले हमें सोल्डरिंग कर लेना होगा, मतलब डायोड जहाँ पे लगा हुआ है वहीं पे चार्जिंग एलईडी का वायर को सोल्डरिंग कर लेंगे, और चार्जिंग एलईडी का जो माइनस वायर है वो सीधा सॉकेट के माइनस में सोल्डरिंग हो जाएगा। तो एलईडी का जो माइनस वायर है उसको मैं माइनस में जोड़ दूंगा सॉकेट के, और यहाँ पे एक 1 kΩ का रेजिस्टेंस ले लिया हूँ, और डायोड से पहले इसको सोल्डरिंग कर लूँगा, और वहीं पे जो एलईडी का प्लस वायर था उसको मैं यहाँ पे लगा दूँगा। तो एलईडी का कनेक्शन हो चुका है, अब हम लेंगे बैटरी, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो प्लस और माइनस दो वायर है, तो जो माइनस वाला वायर है वो चार्जिंग सॉकेट के माइनस में ज्वाइन कर दूँगा, और जो प्लस वाला वायर है वो डायोड के अगले सिरे पर सोल्डरिंग कर दूँगा। तो बैटरी तो यहाँ पे आसानी से फिट हो रहा है। अब जो बैटरी का प्लस माइनस दो वायर था इसको हम छीन लेंगे और बोर्ड में कनेक्शन करेंगे। तो बोर्ड में कैसे कनेक्शन करना है, यहाँ पे देख सकते हो जो पहले वाला बैटरी लगा हुआ था वहीं पे दो वायर लगा हुआ है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और जो स्विच से होते हुए जो वायर जा रहा है उसको हम प्लस में सोल्डरिंग कर देंगे, और जो दूसरा वायर है उसको हम माइनस में सोल्डरिंग कर देंगे। तो और कुछ हमें करना नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो सभी वायर लग चुका है, और यहाँ पे लिखा हुआ होगा प्लस और माइनस, तो वहीं पे ही देख के सोल्डरिंग कर देना है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का वायर जॉइन कर दिया हूँ, और एलईडी का जो वायर है इसको मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। तो अब इसको टेस्टिंग करके देखता हूँ। तो यहाँ पे तो स्विच को ऑन कर दिया हूँ, और जो आगे वाला स्विच है इसको दबाता हूँ तो ये वर्क कर रहा है, मतलब अभी हमारा कनेक्शन सब कुछ ठीक है और ये चलने के लिए रेडी है। तो चलिए इसको अंधेरा करता हूँ थोड़ा सा और देखता हूँ। तो देख सकते हो ये काम कर रहा है, थोड़ा और अंधेरा करता हूँ। तो आपको आसानी से दिख रहा होगा,
कि ये कितना अच्छे से काम कर रहा है और ये पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तो ये अच्छे से काम कर रहा है और अभी इसका जो बैकअप है बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बैटरी है जो है वो 1200 mAh का है और जो पहले लगा हुआ था वो 400 mAh का था। तो अब इसको थोड़ा सा काट के हम हटा लेंगे क्योंकि जो बैटरी है वो बड़ा है। तो अब ये आसानी से फिट हो रहा है, देख सकते हो। तो अभी इसका सभी स्क्रू को हमें टाइटली कस देना होगा। तो अब ये बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे जो हमने चार्जिंग पिन लगा हुआ था इसको हम चार्जिंग करके देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल का चार्जर ले लिया हूँ, यहाँ पे इसको लगाता हूँ तो देख सकते हो एलईडी जो है वो जल रहा है, मतलब चार्जिंग हो रहा है। तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बहुत दिन तक चलेगा और इसका बैकअप तो बढ़ जाएगा और साथ ही इसका जो पावर है वो पहले से बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा एम्पियर का बैटरी है तो ज़्यादा शॉक देगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ऐसी और वीडियो देखने के लिए।